नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। भारत में चार महीने बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट देखी गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा नए संक्रमित सामने आए हैं। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 88,45,127 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,548 नए मरीज मिले हैं, जो पिछले चार महीने के बाद एक दिन में सबसे कम दर्ज होने वाले मामले हैं। इसके पहले 15 जुलाई को 29,429 नए मामले रिपोर्ट हुए थे। 16 नवंबर की सुबह तक नए मामले दर्ज होने के साथ ही देश में कोविड-19 संक्रमण के अब तक कुल मामलों की संख्या 88,45,127 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 435 लोगों की मौत हुई है, जबकि 24 घंटे में 43,851 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 1,30,070 हो गई है। कोरोना से अब तक 82,49,579 लोग ठीक हो चुके हैं। फिलहाल 4,65,478 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है, यानी कि ये कोरोना के एक्टिव केस हैं। कोरोना से रोज होने वाली मौतों के मामले में भारत दुनिया में अब चौथे स्थान पर खिसक गया है। भारत में पिछले 7 दिन में कुल 3,626 मौतें हुई, जो अमेरिका के मुकाबले आधे से भी कम है। ICMR के मुताबिक देश में 15 नवंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 12,57,00,000 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 8,61,000 सैंपल की टेस्टिंग रविवार को की गई। महाराष्ट्र में रविवार को 2,544 लोग संक्रमित मिले हैं, 3,065 लोग रिकवर हुए। इस दौरान राज्य में 60 मरीजों की मौत हो गई। अब तक महाराष्ट्र में 17,47,242 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 84,918 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 16,15,379 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 45,974 हो गई है। वहीं बात करें राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में कोविड-19 के 3,235 नए मामले सामने आए, जिससे रविवार को यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,85,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं 95 और मरीजों की संक्रमण से मौत होने से दिल्ली में मृतकों की संख्या बढ़कर 7,614 हो गई है। बिहार में रविवार को 247 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 614 लोग रिकवर हुए और 5 लोगों की मौत हुई। अब तक 2,26,916 लोग बिहार में कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 5,867 मरीजों का इलाज चल रहा है। 2,19,864 लोग अब तक बिहार में ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के चलते राज्य में 1,184 मरीजों की मौत हो चुकी है। रविवार को उत्तर प्रदेश में 1,401 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इस दौरान 1,783 लोग रिकवर हुए और 18 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसी के साथ ही यूपी में संक्रमितों का आंकड़ा अब 5,11,304 हो गया है। इनमें 22,967 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 4,80,965 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में संक्रमण से जान गंवाने वालों का आंकड़ा अब 7,372 हो गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।